हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, KVS PRT जो का एग्ज़ाम हो रहा है और यहाँ पर आपके कंप्यूटर से रिलेटेड जो है शॉर्ट की से संबंधित क्वेश्चन कंटिन्यू आ रहे हैं। तो शॉर्ट क्यू के जो भी महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उनको हम लोग यहाँ कवर करेंगे और फ्रेंड्स हम लोग फटाफट रिविज़न करेंगे। रिविज़न वीडियो है, हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके बहुत कम समय में सारी चीज़ें बताने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। यहाँ पर टूल का नेम दिया गया है, कौन सा कीवर्ड जो है जो आपको यूज करना है और उनका विवरण है, किसके लिए यूज करना है, इन चीजों को यहां पर देखा जाएगा। फ्रेंड्स, न्यू डॉक्यूमेंट्स, यदि न्यू डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो इसके लिए कंट्रोल एन जो है वो आपको की दबाना होता है और एक नई फाइल या टेम्पलेट आधारित फाइल बनाता है आपका कंट्रोल एन। नेक्स्ट है आपका ओपन फाइल मेन्यू, यानी कि चयनित फाइल को यदि आपको खोलना है तो आपको कंट्रोल ओ दबाना होगा। क्या दबाना होगा? कंट्रोल ओ दबाना होगा। कोई चयनित फाइल आपने जो है की है उसको ओपन करना है तो कंट्रोल ओ होगा। कंट्रोल एस की बात की जाए तो इसे सेव फाइल मेनू है और सक्रिय फाइल को इसके वर्तमान फाइल नाम, स्थान तथा स्वरूप फॉर्मेट के साथ जो है आपको सेव करना है तो कंट्रोल एस जो है वो आपको दबाना होगा। नेक्स्ट है मेल रेसिपिएंट की बात की जाए तो दस्तावेज को, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को ईमेल संदेश के ढांचे के रूप में भेजता है आपका मेल रेसिपिएंट बोला जाएगा। प्रिंट के लिए फाइल को यदि प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी आपको दबाना होगा और इसके लिए सक्रिय फाइल या चयनित दस्तावेज को प्रिंट करता है। प्रिंट विकल्प का चयन करने के लिए फाइल मेन्यू में प्रिंट विकल्प पर क्लिक करना होता है और आपको कंट्रोल पी यहां पर ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। प्रिंट अगर आपको जो है प्रीव्यू करना है तो आपको कंट्रोल प्लस F2 जो है वो दबाना होता है। जब हम फाइल प्रिंट करने में हो और यह कैसे दिखेगा, तो यानी कि फाइल प्रिंट करना है लेकिन हमें उसके पहले उसका जो है एक बार देखना है तो आपको कंट्रोल प्लस F2 दबाना होगा। स्पेलिंग एंड ग्रामर के संबंध में यदि जो है सक्रिय दस्तावेज में बरतनी तथा व्याकरण जांच तथा लेखन संबंधी त्रुटियां बताता है, उन्हें ठीक करने के लिए आपको F7 जो है इसका यूज करना होगा। आगे देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है उनको देख लेते हैं। कट के लिए एडिट मेनू है, यानी कि किसी चीज़ को आपको कट करना है तो सक्रिय दस्तावेज में चयनित चित्र या टेक्स्ट को हटाकर क्लिपबोर्ड में रखता है और इसके लिए आपको कंट्रोल X का यूज करना होता है। कॉपी के लिए बात की जाए तो कंट्रोल C होता है और क्लिपबोर्ड में चयनित चित्र या टेक्स्ट की प्रतिलिपि जो है वो कॉपी ये बनाता है, इसके लिए आपको कंट्रोल C का यूज करना होता है। यदि आपको कुछ पेस्ट करना है, जब आप जो है कॉपी करेंगे तो उसे पेस्ट भी करना होता है तो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी जो है वो आपको दबाना होता है और इसके लिए क्लिपबोर्ड के सामग्री को प्रविष्ट बिंदु पर पेस्ट करता है। बात करते हैं अंडों की, यदि आपको अंडो करना है तो यहाँ पर आपको Ctrl+Z दबाना होता है, Ctrl+Z दबाना होता है। अंतिम आदेश को विफल करता है तथा अंतिम में टाइप किए गए टेक्स्ट को हटा देता है, तो इस जो चीज़ आपको हटानी है उसके लिए आप जो है अंडो कर देंगे। और नेक्स्ट है आपका रीडो, तो रीडो के लिए जो है आपको Ctrl+Y दबाना होता है। अंडो आदेश की क्रिया को विफल करता है, ये जो है अंडो आदेश की क्रिया होती है उसके एक्शन को विफल करता है, ये आपका रीडो हो जाता है। नेक्स्ट है आपका हाइपरलिंक, नए हाइपरलिंक को डालता है और चयनित हाइपरलिंक को एडिट करता है, इसके लिए आपको Ctrl+ जो है K दबाना होता है। नेक्स्ट है आपका टेबल एंड बॉर्डर के लिए जो है बात की जाए तो टेबल और बॉर्डर टूलबार ये प्रदर्शित करता है, टेबल के रूप में आपको प्रदर्शित करेगा। इंसर्ट टेबल, यदि आपको जो है कोई टेबल जो है वो इंसर्ट करनी है तो टेबल बनाता है। इंसर्ट टेबल क्या है, इसमें आपकी टेबल बनती है, इसको इंसर्ट टेबल बोला जाता है। यहाँ पर आपका की का यूज नहीं होगा, ये जो है जो भी महत्वपूर्ण जो वर्ड हैं वो यूज किए जाते हैं वो आपके हैं यहाँ पर। इंसर्ट एक्सेल वर्कशीट, तो इसमें दस्तावेज में एक्सेल स्प्रेडशीट को जोड़ने का काम होता है उसे इंसर्ट एक्सेल वर्कशीट बोला जाता है। जूम की बात की जाए तो सक्रिय दस्तावेज के प्रदर्शन को 10% से 400% तक घटा या बढ़ा सकता है, इस क्रिया को जो है जूम बोला जाता है। जो एक्टिविटी की जाती है उसे जूम बोला जाता है। ऑफिस असिस्टेंट
टेंट की बात की जाए तो ये आपका F1 की यूज होता है और यह हेल्प टॉपिक और युक्तियां जो है प्रदान करता है जिसकी सहायता से हम अपने कार्य को पूरा करते हैं। आगे महत्वपूर्ण जो भी है फ्रेंड्स उन सभी को देख लेते हैं। यहाँ पर बात की जाए कि जो भी आपने चयनित टेक्स्ट की शैली में परिवर्तन करना है और उसे अपने अनुरूप बनाना है, यानी कि जो उसका जो फॉर्मेट है वो आपको अपनी स्टाइल में बनाना है, तो इसके लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो है एस का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का यूज जो है जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसको जो है स्टाइल देने को अपने अनुसार उसको चेंज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है चयनित टेक्स्ट के लिखावट में जो है फॉन्ट जो होता है उसे आप चेंज करना है, फॉन्ट को चेंज करना है, तो फॉन्ट को चेंज करने के लिए आप कंट्रोल प्लस एस प्लस जो है एफ का यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका है कि चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट के आकार में यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो यदि आप उसका आकार चेंज करना चाहते हैं तो आप जो है फॉन्ट साइज जो चेंज करना चाहते हैं तो आप जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो है पी का यूज करेंगे। नेक्स्ट है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है किसी को जो चयनित टेक्स्ट है उसे बोल्ड अथवा मोटे जो है थोड़े मोटे और अक्षरों में परिवर्तित करना होता है। कोई चीज़ जो है जैसे वर्ड जो होते हैं वो जो एकदम से जो पतले पतले से लिखे होते हैं उनको मोटा कर देना, बोल्ड कर देना, तो इसके लिए कंट्रोल प्लस बी का जो है की होती है उसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जो वर्ड आप तिरछे लिखे हुए देखते हैं इटैलिक जो है वर्ड बोले जाते हैं जो तिरछे वर्ड होते हैं, तो यदि आपको इस प्रकार से तिरछा लिखना है तो तिरछा इटैलिक लिखने के लिए आपको कंट्रोल प्लस आई जो है की का यूज करना होता है। नेक्स्ट है आपका अंडरलाइन। जो भी आपने लिखा है आप उसे अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस यू की का जो है वो यूज करना होता है। नेक्स्ट आपका है टेक्स्ट या पैराग्राफ को बाय हाशिए से भरता है या लिखना शुरू करता है। आप जो भी लिख रहे हो उसे जो है बाय हाशिए से लिखना शुरू करने के लिए आपको जो है एलिंग लेफ्ट जो है ये करना है तो आपको कंट्रोल प्लस एल जो है की का यूज करना पड़ेगा। यदि आप जो है टेक्स्ट या पैराग्राफ को दाएं या बाएं हाशिए के बीच रखना चाहते हैं, सेंटर में लिखना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए कंट्रोल प्लस ई का जो है यूज करना पड़ेगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स कंटिन्यू आपको जो है इंपॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं। बात करेंगे टेक्स्ट या पैराग्राफ को दाएं हाशिए से भरता है या लिखना शुरू करता है तो एलिंग राइट हो जाएगा और इसके लिए आपको कंट्रोल प्लस आर की का यूज करना होगा। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट को बाएं तथा दाएं दाहिने हाशिए के बीच हर शब्दों के बीच के जगह को बढ़ाकर घटाकर समान रूप में फैलाना है, यानी कि जो भी आपने लिखा है तो बाएं दाएं से इनके जो बीच में जो स्पेस है इनको अगर आपको बराबर करना है तो इसके लिए इसे जस्टिफाई बोला जाता है और इसके लिए कंट्रोल प्लस जे का यूज आपको करना होगा। नेक्स्ट नंबरिंग। तो नंबरिंग क्या है, जिस प्रकार से वर्तमान डिफॉल्ट के आधार पर संख्यात्मक लिस्ट बनाता है अर्थात हर पंक्ति या पैराग्राफ को श्रेणीबद्ध करता है, जैसे 1 2 3 जो भी आपको लिखना है तो उसके अनुसार उसे क्या बोला जाएगा तो उसे नंबरिंग बोला जाता है। बुलेट्स क्या है, तो बुलेट्स क्या है, वर्तमान डिफॉल्ट बुलेट के आधार पर बुलेटेड जो सूची बनाई जाती है उसे बुलेट्स बोला जाता है। और नेक्स्ट आपका है जो है डिक्रीज इंडेंट्स, तो ये क्या है, यह बाएं हाशियों को घटाता है, जो आपका हाशिया होता है उसे घटाना जो है डिक्रीज इंडेंट बोला जाता है। तो इनक्रीज इंडेंट क्या होता है, यह बाएं हाशियों को बढ़ाता है। तो यही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इनमें, इन चीज़ों को आप समझ लें। और नेक्स्ट आपका है आउटसाइड बॉर्डर। आउटसाइड बॉर्डर क्या है, चयनित टेक्स्ट पैराग्राफ चित्र या वस्तु के चारों ओर या चारों ओर बॉर्डर बनाता है या हटाता है, तो इसे जो है आउटसाइड बॉर्डर जो है वो बोला जाता है। नेक्स्ट है हाईलाइट। तो हाईलाइट क्या होगा, चयनित टेक्स्ट के टुकड़े को अपने अनुरूप चुने हुए रंग से हाईलाइट करता है, यही आपका हाईलाइट है। नेक्स्ट है आपका फॉन्ट कलर। टेक्स्ट की लिखावट के रंग को परिवर्तित करना संभव होता है, यहाँ पर आपको फॉन्ट कलर में जाना होता है। तो फ्रेंड जो भी महत्वपूर्ण की थी जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, शॉर्ट की कंटिन्यू पूछी जा रही हैं, उनको प्रोवाइड करने की मैंने कोशिश की है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आपके जो है अब कौन सा टॉपिक आप जो है चाहते हैं जो आपका कंप्लीट नहीं हुआ है और आपका जो है आगे एग्जाम है तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट कर दें, वो आपको टॉपिक्स जो है बहुत शॉर्ट तरीके से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।